हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल खुशी टिप्स में आपका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बैंगन का भरता। इसके लिए हम लेंगे 2 बैंगन, लहसुन, हरी मिर्च, धनिया पत्ता, 1 छोटा चम्मच नमक, 1 चुटकी हींग, 1 चुटकी अमचूर पाउडर और सरसों तेल। बैंगन पर हम मस्टर्ड ऑयल लगा लेंगे अच्छी तरह से, ताकि पकाते समय बैंगन चिपके नहीं और अच्छे से पक जाए। तो इस पर पूरी अच्छी तरीके से हमने दोनों बैंगन पर मस्टर्ड ऑयल लगा लिया है, देखिए। उसके बाद हमने बैंगन में चीरा लगा दिया है, ताकि वो फटे नहीं पकते समय। इस तरह से हमने बैंगन में कट बना लिया है और अच्छे से ऑयल लगा लिया है, ये देखिए। उसके बाद हम एक कुकर में 4 कप पानी लेंगे, उसमें एक जालीदार बर्तन रख देंगे, ताकि हमारा बैंगन पानी में ना डूबे और बैंगन को उस जाली के ऊपर इस तरह से रख देंगे। उसके बाद हम कुकर का ढक्कन बंद करेंगे और कुकर को गैस पर चढ़ा देंगे फ्लेम तेज करके, और सीटी लगने तक इंतज़ार करेंगे। अगर बैंगन बड़ा है तो 7-8 सीटी लगाएंगे, और पत्ता बैंगन है तो 4-5 सीटी में गैस बंद कर देंगे। 8 सीटी के बाद हमने गैस बंद कर दिया है और कुकर को हम चूल्हे से उतार लेंगे। उसके बाद हम कुकर का लीड खोल देंगे, देखेंगे हमारा बैंगन अच्छी तरह से पक गया है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है वो। फिर हम बैंगन को एक प्लेट में निकाल करके उसके ऊपर का छिलका निकाल लेंगे, हमने निकाल दिया है। उसके बाद धनिया, लहसुन, हरी मिर्च को कट कर लेंगे। फिर हम कढ़ाई को गैस पर चढ़ा करके उसमें 1 बड़ा चम्मच मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, थोड़ा इंतज़ार करेंगे। ऑयल पूरी ये देखिए ऑयल गर्म हो गया है, तो हम इसमें 1 चुटकी हींग डाल देंगे। उसके बाद बारीक कटा हुआ लहसुन, डाल करके अच्छे से चलाएंगे उसको। फिर हम उसमें हरी मिर्च डाल देंगे, और इसको अच्छी तरह से चलाएंगे। इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे इसी तरह से। ये हमारा हो चुका है, अब हम इसमें बैंगन डाल देंगे, हमने छील के रखा हुआ था, और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस तरह से। इसको मिलाते रहेंगे बीच बीच में, अभी अच्छी तरह से देखिए मिल चुका है। अब हम इसको फ्लेम तेज करके उसको चला चला करके पकाते रहेंगे। फिर तो अमचूर पाउडर डालेंगे 1 चुटकी, और नमक 1 छोटा चम्मच या स्वाद अनुसार आप डाल सकते हैं। फिर तो इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब ये देखिए हमारा लगभग पक चुका है बैंगन, अच्छी तरह से पक गया है। इसमें हम धनिया पत्ता डाल देंगे इस तरह से, और उसको बढ़िया से मिक्स कर लेंगे चला के। इस तरह हम फ्लेम को बंद कर लेंगे। अभी हमारा बैंगन का भरता रेडी हो गया है, इसे हम प्लेट में निकाल करके सर्व करेंगे। ये देखिए हम इसे प्लेट में निकाल लिया है। इसको हम चपाती के साथ या दाल राइस के साथ खा सकते हैं, ये बहुत टेस्टी है, आप भी इसे ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर।